देवभूमि आस्था वन यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। उसी प्रकार से यहाँ पद के लिए अंग्रेजी जरूरी नहीं है, जिस प्रकार से केवल स्टील के गिलास में ही पानी जरूरी नहीं है, उसको तो आप कैसे भी पी सकते हैं, उसी प्रकार से इस पद के लिए इंग्लिश भी जरूरी नहीं है, केवल आपका बुद्धि विवेक होना चाहिए। तो उसके लिए अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं, उसके लिए बुद्धि और विवेक की आवश्यकता है ना। लेकिन बंधुओं, हम सब लोगों ने अंग्रेजी के चक्कर में हम अपने संस्कारों को भूले जा रहे हैं, और ये जितने ये विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, ये सब के सब हमारे धर्म विरोधी विद्याएं हमारे बालकों को सिखाते हैं। जो बालक क्रिश्चियनिटी में, बिल्कुल स्पष्ट होकर कहता हूँ, इस समय अनेक देश विदेश से लोग इस चैनल के द्वारा इस वाक्य को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे पुनः निवेदन करके बोलता हूँ कि आप अपने विद्यालयों में भेजिए, अपने सरकारी विद्यालय में भेजिए, आसपास जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ भेजिए, आपके जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ अपने बालकों को भेजिए। और अब तो सारे विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में भी अब इंग्लिश पढ़ाना शुरू हो गया है, और जरूरी नहीं कि आपका बेटा इंग्लिश सीख के ही बड़ा बनेगा। जितने भी बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हुए हैं, सबके सब सरकारी स्कूल वाले, एक भी प्राइवेट स्कूल वाले का आप नाम गिनाकर बताओ, सबने सरकारी स्कूल से पढ़ा। चाहे आप कलाम से लेकर देखिए, शास्त्री जी ने प्रयागराज से, इन्होंने बनारस से, इन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की थी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। कलाम साहब को देखिए, रद्दी इत्यादि बेचकर सो राष्ट्रपति पद पर आसीन करने में। अभी हाल में देखिए कि कहां जंगलों में रहने वाली नारी आज भारत की सर्वोच्च पद पर विराजमान है ना। तो इसके लिए जरूरी नहीं, ये हमारा मन का धर्म है, ये मन का मैल है ना। आपका बच्चा जहां जाता है भाई, जिस भाषा को सीखने के लिए आपको अपना सर्वस्व त्यागना है, अपना धर्म त्यागना है, अपने माता पिता को त्यागना है, ऐसी शिक्षा का जीवन में कोई मोल नहीं। आज उस बच्चे ने इस धागे को त्यागा, कल उस बच्चे ने तिलक को त्यागा, परसों उसने अपनी चोटी काटी, परसों वह आपको भी छोड़ देगा। हाँ, यह हकीकत है। तो बाद में रोने से अच्छा है पहले ही उस पर नियंत्रण करो, है ना। ये गलत नीतियां भारत में अनेक प्रकार से घुसपैठ हो रहा है बंधुओं, सब सनातन धर्म के विरोधी बन बैठे हैं। और आप, हम सबका परम कर्तव्य है अपनी भाषा को बचाना, अपनी बोली को बचाना, अपने राष्ट्र को बचाना। हाँ, राष्ट्र को भी बचाना है, केवल चौंसिल नियर पेट्रोल नहीं देखो, हाँ राष्ट्र को भी बचाना है। इसलिए अपनी अपनी जमीन, अपना अपनी संस्कृति, अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने संस्कार, अपने राष्ट्र, इन सब की भी रक्षा करना आपका हमारा परम कर्तव्य है। तो इसलिए आप लोग जब सर्वे में आए तो जरूर कहना कि हम संस्कृत तो जानते हैं, समझते हैं, हमारा परम कर्तव्य है संस्कृत भाषा की रक्षा। ये हमारी जन्म भाषा है, राष्ट्र भाषा है, मातृभाषा, सारी भाषाओं की जननी।